हाँ जी सर, ये नाथद्वारा के घोड़े के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे सर आप, रिसाला के बारे में? पहले पूर्व में ये घोड़े चार जगह विभाजित थे। अच्छा। पहली जगह थे मोतीमहल। अच्छा। दूसरी जगह पाईगा। अच्छा। वर्तमान में वल्लभ विलास बना हुआ। अच्छा अच्छा। और तीसरी जगह, चौथी जगह थी तोपखाना। तोपखाना, हाँ, जो वल्लभ विलास में मिला हुआ है उसे। अच्छा अच्छा। दोनों जगह में मोतीमहल, वल्लभ विलास, मोतीमहल, तोपखाना और पाईगा, तीन तो वहाँ थे, तीन और चौथे जगह थे रसला चौक। एक एक जगह कितने कितने घोड़े थे ये मेरे को पूरा मालूम नहीं, पर बाकी कहते थे उस जमाने में ठाकुर जी के 500 घोड़े थे। 500 घोड़े घोड़ी थे। अच्छा, पहले घोड़े का ही जमाना था, गाड़ी और ये नहीं थे जमाने में, जो यहाँ भी फूल घोड़ बनते रहते थे, घोड़े रसाला फूल भरा रहता था। अच्छा। पाईगा थी, पाईगा फूल भरी रहती थी। अच्छा। मोती महल में फूल भरे रहते थे, 81 घोड़े थे वो मोती महल में रहते थे। अच्छा। जो 81 घोड़े थे। अच्छा। वो मोती महल में रहते थे, वो 11 के दिन कुछ नहीं लेते थे। अच्छा, वो भी 11 करते थे, मतलब पूरे व्रत करते थे। अच्छा, दो घोड़े वो ऐसे थे, मोती महल में बनते, वो मोती महल में बनते थे सिनाजी के वहाँ। अच्छा। उसके बाद दूसरे घोड़े बनते पाईगा घोड़े। अच्छा। पाईगा घोड़े की पाईगा थी। अच्छा। जो वर्तमान में वल्लभ विलास है। अच्छा। वो वल्लभ विलास के पास में ही वो ये तोपखाना। अच्छा। तोपखाना के घोड़े अलग थे, ये चार जगह ये घोड़े अलग अलग शिफ्ट थे और अलग अलग इनका जगह था। अच्छा। और अलग अलग नाम से ये चलते थे, वही ये पाईगा का घोड़ा है, ये मोतीमहल का घोड़ा है, ये रसाला का घोड़ा है, ये तोपखाने का घोड़ा है। मतलब 500 घोड़े एक साथ छोड़े तो पूरा नाथद्वारा भर जाए एक बार में, इतने बड़े बड़े घोड़े भी होंगे। तो उस जमाने में अपने ये साधन है कोई सही नहीं, साधन नहीं तो ठाकुर जी का सामान लाना ले जाना, काम जाना लाना सब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी फंक्शन हुआ, कुछ भी रथ यात्रा हुई, उसमें घोड़े का यूज होता था। कोई आदान प्रदान करना तो इन पे होता था। अच्छा अच्छा। इधर उधर ट्रांसपोर्ट का काम भी घोड़े पे होता है। वर्तमान में 40-50 साल में बने हैं। हाँ, ठाकुर जी 400 साल से विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत बढ़िया बात बताई है घोड़े वालों के लिए और सभी जो अश्व प्रेमी हैं उनके लिए, कि घोड़े इतने पुराने और इतने कीमती हैं। धन्यवाद सर, मैं आपका एक बात। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।